अपने फ्रेश वीडियो पे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आप घर बैठे बिल्कुल 5 मिनट में इजी लोन कैसे ले सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये NBFC से रजिस्टर्ड है। इसका दो तीन इस लोन एप्लीकेशन के बारे में एक दो तीन चीज जो कि इम्पोर्टेंट है और बहुत ही खासियत है, जो कि आपको काफी पसंद आएगा लोन लेने में। सबसे पहला इनका खासियत क्या है कि इसमें किसी प्रकार के हमें सैलरी स्लिप की जरूरत नहीं पड़ता है। अदर कोई भी लोन एप्लीकेशन लेते हैं या फिर कहीं से लोन लेते हैं तो आपको जो है इसमें जेन्युइन सैलरी स्लिप सबमिट करना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या सैलरी स्लिप भी नहीं देना पड़ता है। साथ ही साथ जब भी आप किसी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो देखते हैं क्या उसमें प्रोसेसिंग चार्ज बहुत ही ज्यादा रहता है। अप्रोक्स जो भी लोन आपका अमाउंट फाइनेंस होता है उसका 20-30% जो है वो प्रोसेसिंग फी के तौर पे काट लेता है, लेकिन इसका जो प्रोसेसिंग फीस है इस एप्लीकेशन का 0 है। इसमें किसी प्रकार का प्रोसेसिंग चार्ज आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और तीसरा इनका सबसे ज्यादा खासियत वाली चीज है कि आपको इसमें कुछ लिमिट दिया जाएगा। मान लीजिए इसमें आपको लिमिट दिया 5,000 और आपने खर्च किया है 2,000, तो ओनली 2,000 का ही आपको ट्रांजेक्शन फीस जमा करना पड़ेगा, और वो भी ट्रांजेक्शन फीस काफी कम है, मात्र 10%। तो 10% में जो है बस इसका ट्रांजेक्शन फीस है, बस आप उसी को पे करेंगे। तो लिमिट जैसे जैसे इसमें आप रिपेमेंट करेंगे उस तरीके से लिमिट आपका हाई चले जाता है। जैसे कि मैंने जो लिया है वो मैं एक तरफ से दिखाऊंगा, जैसे कि मेरा जो लिमिट स्टार्ट हुआ था कितना से स्टार्ट हुआ था और लगभग 15-20 दिन के बाद मेरा लिमिट कहां से कहां चला गया। तो आप भी लिमिट को बिल्कुल इजी इंक्रीज कर सकते हैं रिपेमेंट कर करके। तो कौन सा एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे करके दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। तो आपको लेकर के चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और वहां आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन के अंदर सेटअप करना है और 5 मिनट के अंदर जो है लोन अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। अभी हम आ चुके अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, तो वो जो एप्लीकेशन का नाम है उस एप्लीकेशन का नाम है रिंग। ये जो आप यहाँ से देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो नाम है रिंग। तो रिंग एप्लीकेशन आप कहाँ से ले सकते हैं, तो रिंग एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे इजी मिल जाएगा, क्योंकि ये NBFC से रजिस्टर्ड है। जितना भी NBFC से रजिस्टर्ड होता है वो सारे एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और जो कंपनी NBFC से रजिस्टर्ड नहीं होता है वो आपको प्ले स्टोर पे देखने को नहीं मिलेगा। यदि दिख भी रहा हो तो आने वाले टाइम में वो हट जाता है। तो सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन रिंग एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद जब सिंपली इसको हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं हमारा जो है अभी हमने जो लोन लिया था वो लिया था 9,200 रुपया का, ठीक है, और EMI अमाउंट है मेरा 9,268 रुपया ड्यूज है, यानी कि मात्र 68 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट पड़ रहा है। और ये फास्ट केस है, इसीलिए अब लिमिट को किस तरीके से जानेंगे उससे पहले आपको इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है इस एप्लीकेशन के अंदर लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट के तौर पे। तो चलिए मैं इस पे जाता हूँ और मेरा जो है यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो सिंपली यहाँ से सब चीज़ देख सकते हैं। आपको सबसे पहले एक गवर्नमेंट ID प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो गवर्नमेंट ID प्रूफ के तौर पर आप क्या दे सकते हैं, तो गवर्नमेंट ID के तौर पर आप इसमें सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड ही लगता है, तो आपको जो है सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ID प्रूफ आपको सबसे पहले एक आधार कार्ड देना है, दूसरा आपका जो है पैन नंबर लगेगा, तो पैन कार्ड का नंबर देंगे, तीसरा चीज़ जो आपको रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट के तौर पर वो है बैंक डिटेल्स का, और चौथा है करंट एड्रेस जो कि आपको फिल करना है, पाँचवा होता है मोबाइल नंबर, अच्छे होता है ईमेल ID, यानी कि टोटल 6 डॉक्यूमेंट आपसे यहाँ पे मांगा जाता है और बिल्कुल जेन्युइन है। 6 के अलावा आपसे ना तो कोई सैलरी स्लिप यहाँ पे मांगा जा रहा है ना ही कुछ और मांगा जा रहा है, बिल्कुल जो 6 डॉक्यूमेंट है वही सिर्फ आपसे मांगा जाएगा। तो यदि आप रिंग एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा बैंक डिटेल्स का, चौथा आपका करंट एड्रेस लगेगा, पांचवा जो है आपका मोबाइल नंबर, और छठा जो है वो ईमेल ID। ये 6 डॉक्यूमेंट जनरली सभी के पास रहता है, सैलरी स्लिप जो है सभी के पास नहीं होता है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं उसके पास सैलरी स्लिप नहीं होता है, या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर सैलरी स्लिप नहीं मिलता है, तो उस सिचुएशन पर भी आप इसमें ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ बिल एड्रेस के जाकर के मेरा जो सारा चीज़ एड्रेस जो हमने बिल लिया है बिल हिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितनी बार इससे लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और टोटल हमने 5 बार यहाँ से लोन ले चुका हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा इनिशियल अमाउंट जो हुआ था वो मैं व्यू डिटेल्स के अंदर जाता हूँ, तो देख सकते हैं हमने जो लिया था जो पहला क्रेडिट लिमिट था वो था मेरा देख सकते हैं 3650 रुपये का क्रेडिट लिमिट था। तो टोटल क्रेडिट लिमिट कितना मुझे मिला था 3650 रुपये जो हमने रिसीव किया था,
और हमने जो पेड किया था देख सकते हैं वो बिल्कुल तोड़ तोड़ के हमने पेमेंट किया, कभी 500 पेमेंट किया, कभी 3000 पेमेंट किया, इस तरीके से। तो टोटल बिल अमाउंट जो हमने पेड किया वो 3775 रुपया का, और हमने लोन लिया था 3650 रुपये का। यानी कि देख सकते हैं जो प्रोसेसिंग फीस है वो मुझे नहीं लग रहा है, ओनली ट्रांजेक्शन फीस मुझे लग रहा है, और ट्रांजेक्शन फीस के तौर पे मुझे 325 रुपये लग रहा है। अब मैं दूसरा ऑर्डर पे जाता हूँ, यहाँ से बैक करता हूँ। अब मैं दूसरा ऑर्डर पे जाता हूँ जो कि मुझे मिला था, देख सकते हैं कम्प्लीटली रिसीव हमने किया था 3775 रुपये का, ठीक है। अगला जो मुझे मिला था 3775 रुपये का लिमिट मिला था, और टोटल स्पेंड हमने कर दिया था 4,4200 रुपये का, जिसका कि ट्रांजेक्शन फीस मुझे लगा था 420 रुपये। इसी तरीके से जब मैं तीसरा जाऊंगा, देख सकते हैं लिमिट जो है मेरा, यहाँ से देख सकते हैं लिमिट 3725 का था, 4,620, 5,600, 6,820, इस तरीके से जो है लिमिट आपका इंक्रीज होते जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक बार यदि आप सभी कंपनी से हट चुके हैं कि आपको कोई भी कंपनी लोन एप्लीकेशन लोन नहीं दे रहा है, तो एक बार जरूर इस एप्लीकेशन को ट्राई करें, आपको बिल्कुल लोन यहां से मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इस तरीके का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग कुछ इस तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर के।